क्या लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने कहा वो अपने अपने उसने डिलीवरेंस दिया, उसने छुटकारा दिया। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ो तो छुटकारे के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना की के प्रचार किया कि नहीं, बाइबल में क्या लिखा है, लिखा उसने छुटकारे का क्या किया, बंदियों को छुटकारे का क्या किया, कभी भी दुष्ट आत्मा से परमानेंट आपको जो छुटकारा है वो कभी भी अकेली प्रेयर नहीं दे सकती। इसी में लोगों को बोलता हूं, मैंने प्रेयर किए, अब आपका काम है चर्च आना, वचन सुनना, किसी भी तरह से, इंटरनेट से सुनो, यूट्यूब से सुनो, रोज की रोटी, जैव जो भी मीडियम आपके पास है उसे सुनो, क्योंकि जो वचन आपके घर में आपके दिमाग में घुसता जाएगा शैतान नहीं आएगा, ये 100% मैं आपको बोल रहा हूं, डेविल कभी नहीं आएगा। हालेलुया, शैतान वहां आता जहां वचन नहीं। इसलिए लोग एक चर्च से दूसरी, फिर खेल खेल के वो नया पास्टर आ गया, कोई बाहर से आ गया वो उसकी मीटिंग में, फिर खेल के अब मैं ठीक हूं, फिर खेल फिर, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का प्रचार किया, प्रेयर नहीं की। उसने 38 साल के रोगी को बोला तो चंगा हो चुका है, लेकिन फिर से पाप, यानी उसको क्या किया परमेश्वर ने, उसको प्रचार किया ताकि वो प्रचार उसके ब्लेसिंग को, उसकी चंगाई को, उसकी गवाही को, उसके छुटकारे को बना के रखे उसकी जिंदगी में। हालेलुया, वचन देने का मकसद क्या है, जो वचन आप सुनते हैं कि यूसुफ की जिंदगी में क्या हुआ, दाऊद की जिंदगी, ताकि आपका ध्यान कहां रहे, वचन के ऊपर, और शैतान आपकी जिंदगी में अविश्वास के कारण काम ना करने पाए। जब निराशा आती है तब सवाल आते हैं, क्या आते हैं, जब निराशा आती तब सवाल आते हैं, क्यों ऐसा, क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा क्यों नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्हें ऐ क्यों नहीं किया, क्योंकि जब निराशा आती जब सवाल आते हैं, लेकिन जब वचन आपकी जिंदगी में आते हैं तब सवाल खत्म हो जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, निराश लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, मैंने कहा निराश लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, वो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, उसका काम नहीं कर सकते, चाहे उनको जितनी मर्जी जरूरत क्यों ना हो कि उनकी जिंदगी में निराशा खत्म हो, निराश नहीं कर सकते प्रभु का काम। आपको ऊपर उठना निराशा से, डिप्रेशन से, अपनी जरूरतों से, अपनी चंगाई की जरूरत है, आपको ऊपर उठना है, आपको शैतान को बताना है, अगर शैतान ने आपको एक थप्पड़ मारा है, सोना नहीं है, दो मारो उसे, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चार मारो खड़े हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। निराश लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, हालेलुया, वो नहीं कर सकते काम परमेश्वर का। हर टाइम निराश रहोगे तो शैतान खुश होगा, परमेश्वर नहीं, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों नहीं, वो नहीं नहीं है। अगर आपके बेबी नहीं है तो आप पहली औरत नहीं हो, हन्ना के भी नहीं था, अगर उसका केस सॉल्व हो गया तो आप भी उसी लाइन में हो, पर ये विश्वास की बात है, अगर हन्ना को उसने छोड़ा नहीं, पनन्ना का मुंह बंद किया, आप अगले में आपको बता रहा हूं, आपका में अगर ऊंचा तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, हालेलुया। पनन्ना हनन्ना को चिढ़ा तो सकती, पर डाइवोर्स नहीं दे सकती उसे, उसके हस्बैंड ने कहा मैं तुझसे दुगना प्यार करता हूं हन्ना, आपकी शादी किसके साथ हुई है, किसके साथ, मसीह के साथ आपकी शादी, आपकी मंगनी हुई, आपका विरोधी जितना मर्जी बोल ले,
पर आपकी मंगनी आपकी मैरिज कैंसिल नहीं कर सकता। वो आपसे इतना प्यार करता है आप सोच भी नहीं, आप समझ भी नहीं सकते। हालेलुया। निराश लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे कभी भी। आपको डिसीजन लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, एक फैसला करना पड़ता है कि इस निराशा के बावजूद मैं उठूंगा उठूंगी। आपको लगता है शायद ये हमारी जिंदगी में शायद परमेश्वर ने कोई काम मिरेकल कर दिया, निराशा खत्म कर दी और हमने सेवकाई शुरू की और हमने काम करने शुरू कर दिए क्योंकि प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया। ऐसा नहीं, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है निराशा वाले टाइम में भी, जब प्रभु कुछ नहीं कर रहा फिर भी आपको एक फैसला लेना पड़ता है कि नहीं मैं खुदा के काम करूंगा। और फिर आप देखते हो निराशा कहां गई, खत्म, आपको नजर नहीं आ रही, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। आप जानते हैं प्रभु आपने क्या मांग रहे हैं, आपकी प्रार्थना सिर्फ ग्लोरी रह चुकी, महिमा रह चुकी, बेदारी आपकी प्रार्थना बन चुकी कि परमेश्वर बेदारी लेके आए ना कि ये दे या वो दे, क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ आपका है। लेकिन क्या क्या वर्तमान क्या भविष्य, सब कुछ आपके है, आप मसीह के और मसीह परमेश्वर के। क्यों शैतान को मौका देना छोटी सी बात के लिए कि आप प्रेयर छोड़ दो, आप फास्टिंग छोड़ दो, पवित्रता वाला जीवन छोड़ दो। पवित्रता वो आग है जिस आग को शैतान कभी नहीं बुझा सकता। इसलिए शैतान यूथ लोगों को सबसे पहले पवित्रता से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। पवित्रता वो आग है जो हर गवाही को लेके आ सकती है, जो आपको बड़े स्थानों पर नियुक्त कर सकती है। आपका विरोधी आपको सता तो सकते हैं, आपको चिढ़ा तो सकते हैं, पर आपका टाइम आने वाला है, आपका शैमूल आने वाला आपके हाथों में है। केवल लोग बोलते हैं आप हमारे सपने में आए, वो मैं नहीं, वो एंजल था, स्वर्गदूत था वो मेरा, वो शक्ल लेके आ सकता है, वो आपको बता सकता है खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, भी अगले तुम हो जो गवाही के साथ आ रहे हो, खड़े रहो टोटल स्टैंड रहो, विश्वास में बने रहो, शैतान को मौका मत दो। हालेलुया। इसलिए जो विश्वासी लोग हैं वो अपना ज्यादा ध्यान जो वो प्रेयर रिक्वेस्ट पे नहीं लगाते, आओ चलो प्रार्थना करें, सब सब परिवार मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, वीजा लग जाए ये हो जाए, वो प्रेशर नहीं डालते परमेश्वर पे, प्रेशराइज नहीं करते परमेश्वर को कि ये काम हमें चाहिए। वो जानता है आपको चाहिए, अब उतना में सिर्फ थैंक्स करना उसका, बैठना प्रेयर में, उसको बताना कि उसने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं, उसको बताना कि वो कितना भला है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना प्यारा परमेश्वर है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर आपके लिए। हालेलुया। आप फिर देखने पाओगे अपनी गवाही की शक्ल वो किस तरह की है। मैंने कहा आपकी गवाही की शक्ल आप देखोगे वो किस तरह की है, वो लड़की कैसी है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु ने इस दर्शन के लिए मुझे नहीं, उसने आपको चुना है बड़े काम करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं आप वंडर्स करोगे, बड़े काम करोगे, अद्भुत काम करोगे आप। हालेलुया। हेलो हन्ना पनन्ना कुछ नहीं कर पाएगी, आप हन्ने हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हन्ना बनेगा। हालेलुया। पनन्ना चिढ़ा तो सकती है लेकिन खुदा के हाथ को दूर नहीं कर सकती। भाई जो यूसुफ के थे उससे नफरत कर सकते थे, उसे बेच सकते थे, खुदा के हाथ को उसके सिर से अलग नहीं कर सके वो। हालेलुया। आज से निराश रहोगे, प्रभु को प्रेशराइज करोगे, उसे बताओगे उसे कैसे काम करना चाहिए,
आज मैंने आपको प्रेयर करने के लिए बोला कि प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा आप जैसे काम करो मैं वैसे मैं चलने के लिए तैयार हूं, जैसा आप जिस तरह से लेके जाओगे मैं वैसे चलने के लिए तैयार हूं। आप देखोगे फिर आपकी लाइफ कितनी इजी है, वो स्ट्रगल खत्म हो चुके हैं, वो टेंशन खत्म हो चुकी है, वो फालतू की फाइट खत्म हो चुकी है। अपने दोनों हाथों को उठाओ मेरे साथ, एक बन हो जाओ। हर एक व्यक्ति, हर एक जोड़ा जो बेबीलेस है, जो रहित है उस आशीष से, be blessed in the name of Jesus, be blessed in the mighty name of Jesus। आप अपनी ब्लेसिंग को, अपने कर्म को आप ग्रहण कर रहे हो, बहुत जल्द आप आ रहे हो गवाही के साथ। डॉक्टर कुछ भी बोले, आपको ये प्रॉब्लम है, आप मोटे हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, कुछ भी आप बोले, नो नो नो, आपका टाइम आ चुका है राइट नाउ।